सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सारे महिला लोग हैं, पुरुष या नरकी वासी नावाड़ी के जितने भी हैं, और बच्चे जो यहाँ अपने उनके माँ बाप हैं, उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चों को मेरी ओर से प्यार और दुलार, और सारे महिलाओं को विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आजकल हर कोई चुनाव मुद्दा लेकर आता है आप लोग आस पास में, लेकिन देखने की हर कोई भगा रहा है दूसरे पार्टियों को, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं महिलाएं पूरी तरह से सजग हो गई है, तैयार हो गई है, समझदार हो गई है कि हमें किसे चुनना है अपना नेता और किसे अपना बेटा चुनना, ये पूरी तरह से वो समझ चुकी है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस 2-3 मिनट में अपना बात को खत्म करूंगा, और जितने भाई लोग हैं हमारे आसपास नावाड़ी के ही होंगे, मैं सब कहता हूं कि सामने आ जाएंगे और अपना अनुशासन का परिचय देंगे, और ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनाव का माहौल तो होने देखे थे, अभी हर कोई पार्टी आओ हो हर तरह के बात अभी बतावे थे तो अपन क्षेत्र में, लेकिन तो नहीं समझे के जरूरत हो कि हमारे पार्टी कोई भी आवे हमारे हित के रक्षा के कर ले। हमारे ये लोकसभा के चुनाव जो हुए 5 साल में शुरू हुए, 5 साल में मतलब आओ है, तो 5 साल के दरमियान अगर पहले जो नेता आलो अगर वो आओ वोट मांगे ले, तो पहले सबसे पहले तो नहीं एक काम करना हो कि 5 साल के तोरा हिसाब पहले लिए चाहिए। कोई भी नेता बनो तो 5 साल के पहले वो बताए के जाए कि हम फलना फलना काम करके दबो धोनी के, और फिर से अगर वोट ले लाओ तो पहले ओकर घोषणा पत्र देखे तो कि वो की काम करके दबो 5 साल में, अगर जे जे बोलो काम कुछ ना कर ले हो तो ओकर सवाल करने की थोड़ी हिम्मत हो चाहिए, और ये हक और अधिकार हमारे संविधान दल है कि हमने पूछ सको ये कि सोनी जे 5 साल में कर ले आज तक हमारे बाल बच्चा के लिए की कर ले, शिक्षा व्यवस्था उसी तरह धूमिल हो, अभी तो तुम्हें देख सको कि स्कूल के की हालत हो, स्कूल में बहुत सारा बच्चा भी ना होती, अगर चार वो मास्टर कोई भी स्कूल सरकारी स्कूल अगर बचल हो तो पारा टीचर सब एक कह सको की ओकर बचा के रख लेती, तो पारा टीचर के भी योगदान बहुत बड़ा है, तो पारा टीचर ही की कह सको स्कूल सुधारते कैसे, यहाँ पर टीचर के कमियां बड़ी है, और टीचर के वैकेंसी ना हो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों अगर में से दोषी हो, तो अगर में से अच्छा अगर आदमी के हम चुन के रांची या फिर दिल्ली भेजबे तभी हमारे लिए बड़ी अच्छा अच्छा नियम और नीति के निर्माण करता है, हमारे बच्चा के भविष्य सही रहता है। अभी हमने देखे थे कि अभी कोई कोई यहाँ पर दीदी सब जाए थे तो गोमिया सब्जी वगैरह बेचे ले, तो देखे थे कि बाजारों में ज्यादातर आदमी बाहर वाले झोला ले क्योंकि 5 रुपया दबे सब्जिया 10 रुपया दबे बोलो तू कि ना बोलो तू, तो वो सब कह रहे तू बैग वाले बर्तन बिल्डिंग गोमियर बोकार जितना देखे दबे ने एक आस पास के ना आप तू ज्यादातर वह सब अब तू बाहरी है सब, और वो सब यहाँ नौकरी कैसे पलती, ये कारण हो कि हमने यहाँ नियम और नीति सही ना बनो इसलिए अपनी नौकरी पहले तू, और अभी तक हमने साग सब्जी और कोयला ढोते हमने गुजर बसर हो रहे, तो ये सब कैसे सुधरतो, ये सब तभी सुधरतो जब हमने आस पास के नेता के चुन गए, बीजेपी के नाम पे अभी तो नहीं वोट दले गए पिछला 2 बार सांसद बने ले हैं जयंत सिन्हा के, लेकिन ओकर कुछ भेलो अभी वो बोल रहे हो कि 5 किलो अनाज दे फिर वोट हमरे दे, और फिर वो बिहारी के चुन गए फिर से तो नहीं स्थिति वैसे वही, तो हमने के जयराम मा तो बतवे थे तो बढ़िया से कि हमने दामाद चुना ससुर ना चुने कह ले, कह मतलब कि अगर बेटी के अच्छा दामाद चुने जाए तो बेटवा का अच्छा दमदा अच्छा चुने चाहिए ने, कि ना कि ससुराल नौकरी है तो चल ने बेटिया को दे दिए कॉलोनियर रहते पता चल तो आगे दिन में 2 महीने बाद की दमदा तो दारू और शराब में नशा में पूरा खुल दो, तो उस तरह हमने ससुरा ना चुनना दमाद चुना एक तरह से कह मतलब हो कि मोदी के नाम पर तो ना चुनना, हमने सांसद बनाना हजारीबाग से बेहतर सांसद बनाना जो पढ़ल लिखल हो, और हमारी बाल बच्चा और हमें रोजगार के बारे में बात करो, तो इस तरह बस इतने कहो नेकी के जितना भी महिला सब रहती और जितना भाई सब रहती सब एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ प्रचार करिए, और यह बताइए कि इस बार एकदम न चुकना हो, जयराम माँ तो बहुत लंबा लड़ाई लड़ ले और उस लंबा लड़ाई में हम लोग एक दूसरे के साथ देना हिस्सा बनना, इतना लड़का सब हमने जितना भी आ रही है कोई बहुत पुराना आदमी ना सब नया नया लड़का जुड़ल हती, और नया नया लड़का इसलिए जुड़ल हती क्या सबके साथ कुछ ना कुछ मजबूरी है, अपने अपने खाना पीना अपने पैसा से चल रही, हर कोई के मम्मी पूछो की तो जुट मुट के दौड़ल भूल है, लेकिन इसलिए दौड़ल भूल रहती काहे कि कहीं ना कहीं ओकर अपन भविष्य के ना सही लेकिन ओकर बाल बच्चा के भविष्य अकरे में छुपल है, इसीलिए सब कोई अपन पैसा से चल के सारा हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए हम कहो कि इस बार जयराम माता के मर्यादा रखते हुए अपन बाल बच्चा के भविष्य देखते हुए संजय मेहता के हेलमेट छाप पहरी 16 नंबर पर ही वोट दिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर।